अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को सुनने के लिए जेर समाअत कर लिया है और अब अपने तहफ्फुज़ात जीआईटी की तहकीकात के साथ देखने में हो सकती है, क्योंकि वाजे तौर पर सुप्रीम कोर्ट ये कह चुकी है कि एक्स्ट्रा टाइम नहीं दिया जाएगा और सुप्रीम कोर्ट बहुत सेटिस्फाइड है। पहली हियरिंग जो जीआईटी ने सबमिट करवाई थी अपनी रिपोर्ट, उसके अंदर सुप्रीम कोर्ट के ये रिमार्क्स थे कि वो इस जीआईटी की कारकर्दगी से अभी तक सेटिस्फाइड है और जिस तरह कार्रवाई चल रही है उसको चलने देना चाहिए। बीएमएलएन को क्यों इस पर तहफ्फुज़ात हैं जबकि सुप्रीम कोर्ट ने खुद ये बंदे चुने थे और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अब क्या समझती है कि इन तमाम मामलों को अब कैसे लेकर चलना है? अगर ये तहफ्फुज़ात हैं तो साठ दिन के अंदर इस तहकीकात को जल्द से जल्द कैसे निपटाना है? हमारे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं रजब अली खान बलोच साहब, पाकिस्तान मुस्लिम आवाज़ का तालुक है, बहुत शुक्रिया आपके वक्त का। राजा साजिद जावेद साहब, पीटीआई से इनका तालुक है, आपका भी बहुत शुक्रिया। टेलीफोन लाइन हमारे साथ मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा आपका भी बहुत शुक्रिया। रजब बलोच साहब, आपसे शुरू करना चाहूँगा क्योंकि आपकी पार्टी की जानिब से तहफ़ुज़ात हैं, क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं 29 तारीख को कि ये जो तहफ़ुज़ात है इस पर जीआईटी में किस किस्म का रद्दबदल आप चाहते हैं या किस किस्म के हसन नवाज साहब ने तहफ़ुज़ात किए? उनकी तफसील तो मैंने नहीं पढ़ी, ना मैंने देखी है कि वो क्या ऐसे तहफ़ुज़ात हैं जो उन्होंने बयान किए, लेकिन बाहर कैब जिनके ऊपर भी किसी किस्म का इल्ज़ाम होता है उनको एक कानूनी राइट हक हासिल होते हैं कि वो अपनी गुजारिशात जो है, और ये गुजारिशात भी किसके सामने, इसकी समाअत भी किसने करनी है, सुप्रीम कोर्ट ने करनी है। तो मैं ये समझता हूँ कि अगर उनके तहफ़ुज़ात जायज़ हुए एंटरटेन कर लेगी, अगर उनके तहफ़ुज़ात जायज़ ना हुए